नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आज हम करेंगे बेईमान दुकान वाले दोस्तों जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते हैं उनको दोस्तों आज हम करेंगे। तो बस आप वीडियो को पूरा देखना, और दोस्तों इससे पहले दो पार्ट आपको मिल चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, तो वो नहीं देखें तो उनको जाकर भी आप जरूर देखें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि आपकी सिंपल दिया हुआ है। तो एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। तो दोस्तों अब आपको क्या बताना है उसका लाभ प्रतिशत। तो यानी कि कोई एक दुकानदार है दोस्तों, 10% लाभ पर बेचता है, यानी जो किसी वस्तु का दोस्तों मिठाई है तो मिठाई का कुछ रेट होगा, अब उसको जो खरीद कर लाया उससे 10% लाभ पर बेच रहा है। दोस्तों अब 1 किलो मिठाई को खरीद कर लाया तो हम मान लेते 1000 ग्राम खरीद कर लाया, तो कितने 1 रुपए की 1 ग्राम लेकर आया तो 1000 रुपए ही खरीद के ले आया, यही तो हो सकता है दोस्तों, यही होगा। अब इसको 10% के लाभ पर वो क्या करेगा, बेच देगा, तो कितने रुपए में, 1100 रुपए में ही तो बेच देगा। लेकिन दोस्तों वो जो तोल रहा है वो 1 किलो नहीं तोल रहा, कितना तोल रहा है, 800 ग्राम, तो 800 ग्राम कितने की हो जाएगी, 800 रुपए की, यही तो हो जाएगा, 800 ग्राम कितने की हो जाएगी, 800 रुपए की। अब 800 रुपए की चीज किसी को दे रहा है और 1100 रुपए ले रहा है, दोस्तों कितने रुपए का उसको लाभ हो गया, तो ये हो गया उसको 300 रुपए का, कितने का हो गया, 300 रुपए का उसको लाभ हो गया। अब दोस्तों इसका प्रतिशत निकाल लेंगे हम, लाभ प्रतिशत, यही तो पूछा हमसे, लाभ प्रतिशत, तो बराबर क्या होता है लाभ, तो लाभ कितने का हुआ है हमको, 300 रुपए का, कितने पर, 800 रुपए पर। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 00 दोस्तों ये गया, 4 से इसको काटेंगे 2 बार और 4 से 25, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 75/2। तो दोस्तों ये हमारा परसेंटेज आ गया, पॉइंट में निकालना चाहे आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं दोस्तों, अब आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी समझ में आया होगा दोस्तों, और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके के, और ये सब नोट जरूर करते हुए चले दोस्तों, ये या फिर काम में आने वाला है, और वीडियो को डेली देखा करें। जो भी दोस्तों वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उन सभी को जरूर जाकर कंप्लीट करें दोस्तों, हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट है, और सुबह आपको क्लियर क्लियर क्लास मिलती है दोस्तों, उसको तो आप जरूर देखा करें दोस्तों। अब ये दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 10% सस्ते दर पर खरीदें और पहले से 12 रुपए कम पर बेचें तो 30% लाभ होगा, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताना है। तो दोस्तों अब मान लेते हैं हमारा वास्तविक क्रय मूल्य 100 रुपए है, अब हमने क्या किया 20% लाभ पर बेच दी, कितने 20% लाभ पर, तो कितने में बेचेंगे, 120 रुपए में तो बेचेंगे इसको, सही बात है। अब दोस्तों क्या कह रहा है, उसे 10% सस्ते पर खरीदें, यानी ये 10% सस्ते पर खरीदता, तो कितने में खरीदता है इसको, 90 रुपए में, 90 में तो खरीदता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहा है, खरीदता और पहले से 12 रुपए कम पर बेचते हैं दोस्तों, तो उसे 30% लाभ होगा, पहले से 12 रुपए कम पर क्या करें दोस्तों, बेच दें उसको, पहले से 12 रुपए कम पर बेचते हैं तो 30% लाभ, तो दोस्तों इस पर हमको 30% लाभ होगा, किस पे, इस पे। तो अब हम 90 का 30% निकालेंगे, तो लाभ हो रहा है तो 130% हो जाएगा दोस्तों, 130/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो दोस्तों 13 × 9 करेंगे तो कितना होगा, 170 है, कितना होगा, 170 है। तो लेकिन दोस्तों पहले तो हमने 120 रुपए की बेची थी, अब हम 170 की बेच रहे हैं, लेकिन वो कितने कम बता था, 12 है, लेकिन यहाँ पर कितना कम हुआ, 3 रुपए कम, और क्वेश्चन में कह रहा है पहले से 12 रुपए कम में बेचें तो 30% हमको लाभ होगा, लेकिन यहाँ तो 12 है नहीं, कितना है, 3, दोस्तों 3 बराबर 12 है तो कितने का गुणा करेंगे, 4 का, तो हमारा जो क्रय मूल्य है दोस्तों वास्तविक, ये भी 4 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखते हैं दोस्तों इसी क्वेश्चन को, क्रय मूल्य था 20% लाभ पर हमने बेच दिया 120 रुपए में, अब वो कह रहा है अगर हम इसको 10% सस्ते में खरीदते तो 90 रुपए में खरीदते और फिर इसको 30% लाभ पर बेचते तो 90 का 30% लाभ यानी 170 रुपए में बेच देंगे इसको। अब दोस्तों ये तो कह रहा है, लेकिन इससे पहले एक लाइन कही है, 12 रुपए कम में बेचेंगे तो 30% लाभ होगा,
तो हम इससे 12 कम कैसे कर सकते हैं, अभी नहीं कि पहले इसका 30% हमने निकाल लिया, ये इन दोनों के बीच अंतर देगा तो हमारा कितना आना चाहिए 12 रुपए कम, यही तो बोला था 12 रुपए ये कम होना चाहिए, लेकिन कितना ये 3, कितना दोस्तों 3 ही तो ये, तो अब 12 के बराबर रख देंगे इसको, तो कितना होगा 4, नहीं तो दोस्तों आपसे पूछे कि इसकी वैल्यू बताएं तो ये भी 4 गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा ये 480। अब दोस्तों इसकी भी निकालें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 728, 702, 4 एकम 4 और 2 6 और 4, तो इन दोनों का दोस्तों अगर हम अंतर देखें तो कितना आया 12 ही आया कि नहीं आया दोस्तों, अब आपके समझ में आया होगा ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी ध्यान से पढ़ें दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है पर दूध में पानी मिलाता है और 16/2/3% लाभ कमाता है, मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों कितना लाभ कमा रहा है वो 16/2/3%, इतना दोस्तों लाभ कमा रहा है। तो अब हम इसको फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 1/6 होता है, जब इसको हम निकालेंगे तो दोस्तों ये हमने आपको पहले बताया था कितना होता है 1/6। अब इस 6 का दोस्तों 16/2/3% कितना हुआ 1, तो यानी कि हम अभी मान लें दूध की मात्रा दोस्तों कितनी है 6, कितने अच्छे। अब इसमें पानी मिला रहा है वही हमारा लाभ है दोस्तों, पानी लाभ कितना है 1 रुपए का, तो ये हमारा पानी मिला देगा ना 1 लीटर मान लेते हैं, तो ये हमारा वाटर हो गया और ये दोस्तों क्या हो गया मिल्क। अरे जब इतना लाभ कमा रहा है तो इतना ही तो पानी मिलाया होगा, तो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है कि मिश्रण यानी मिक्सचर और दोस्तों क्या पूछा है दूध का अनुपात यानी कि मिल्क का रेशियो, मिक्सचर और मिल्क का रेशियो। तो दोस्तों मिक्सचर कितना हो जाएगा दूध और पानी मिला देंगे तो 6 ये और 1 ये, तो कितना हो गया ये 7, मिल्क कितना 6, तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों और क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है पर दूध में पानी मिलाता है और 12/1/2% लाभ कमाता है, यदि मिश्रण की मात्रा 810 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कितना है लाभ कमा रहा 12/1/2%, यही तो है दोस्तों इतना ही लाभ कमा रहा है वो और इतना ही दोस्तों फिर वो पानी मिलाएगा, यही तो बात है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25/2% के लिए 100, तो कितना आया दोस्तों इससे ये 4 और कैंसिल तो 1/8 आ गया, यानी दोस्तों 1/8 आ गया। तो अभी हमने क्वेश्चन आपको बताया था ये तो हमारा दूध हो गया, इसमें दोस्तों लाभ उसने 1 कमा लिया, तो कितना पानी तो होगा दोस्तों ये, तो मिश्रण हमारा कितना हो जाएगा 9। लेकिन दोस्तों अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिश्रण को मात्रा को दोस्तों 810 रुपए लीटर, यानी कि क्या कह रहा है दोस्तों यदि मिश्रण की मात्रा 810 लीटर हो जाए, कितनी 8 लीटर दोस्तों दूध है, 1 लीटर इसमें हमने क्या मिला लिया पानी, तो यही तो दोस्तों हमारा लाभ होगा। तो दोनों पूरा मिश्रण दोस्तों कितने का हो गया 9 का, एक क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 810 लीटर का, तो कितने गुना ज्यादा 90 गुना ज्यादा। अब हमसे पूछा क्या है दोस्तों तो दूध की मात्रा बतानी है, तो बता दो दूध की मात्रा, ये भी तो 90 गुना ज्यादा होगी, कितनी होगी 720। अब दोस्तों पानी की मात्रा पूछता है तो आप निकाल देते बिल्कुल, ये दोस्तों हमारा पानी दिया हुआ है तो ये 90 हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेईमान दुकानदार वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने को घोषणा करता है, यदि वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों 1 केजी बेचने की बोलता है और कितना दे रहा है वो 900 ग्राम दे रहा है, तो यानी दोस्तों उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 100 ग्राम का, तो हो रहा है
कितने पर? 900 पर। 900 ग्राम ही तो दे रहा है तो निकाल देते हैं इसका पर्सन, जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 100 बटे 9 हो गया दोस्तों। तो जब हम इसको रेशियो में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 11। सर ये दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 सही 1/9%। दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर देंगे।